नमस्कार, सत्यहिंदी .com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में है। साध्वी ने हिंदुओं से अपील की है कि वे मुसलमानों की बनाई कावड़ का बहिष्कार करें। देश की 49 हस्तियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को मॉब लिंचिंग के खिलाफ लिखे गए खत पर बोले अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा 2014 के बाद भी ऐसे ही लोगों ने अवार्ड वापसी की थी और अब ये उसी अवार्ड वापसी गैंग का दूसरा हिस्सा है। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने मॉब लिंचिंग को बताया महामारी। कहा सच्चाई से मुंह मोड़ना मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देना जैसा है। स्वरा ने 49 हस्तियों की पहल को भी सराहा जिन्होंने पीएम मोदी को इस मुद्दे पर खत लिखा है। ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने दी 10 लाख लोगों की नौकरी जाने की चेतावनी। उन्होंने सरकार से जीएसटी की दर में कटौती कर 18% की समान दर से लागू करने की मांग की है। तत्काल 3 तलाक को कई बार संसद से पारित कराने में असफल रहने के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर इसे लोकसभा में पेश किया है। आज फिर सरकार इस पर लोकसभा में चर्चा कर रही है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू कर रही है विरोध। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन जेल से आई बाहर। उसे मद्रास हाईकोर्ट से 30 दिन की परोल मिली है। नलिनी ने अपनी बेटी की शादी की तैयारी के लिए मद्रास हाईकोर्ट से 6 महीने की परोल की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने उसे 30 दिन की परोल दी थी। मुंबई एनसीपी प्रेसिडेंट सचिन अहिर ने थामा शिवसेना का हाथ। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में हुए शामिल। कर्नाटक मामले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी से खफा हो गए। उन्होंने कहा कि पहले रोहतगी को कोर्ट में आने दीजिए क्योंकि हम उनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कहीं 2 दिन बाद फिर से कोई नई कहानी सामने ना आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोपहर 2 बजे सुनवाई हो या फिर आधी रात को सुनवाई हो, हम चाहते हैं कि वकील अदालत में जरूर मौजूद हों। उछाल के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 87.37 अंकों की उछाल के साथ 37,935.02 पर खुला तो निफ्टी 19.10 अंक चढ़कर 11,290.40 पर खुला। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा के हाथ लगा बड़ा प्रोजेक्ट। रिपोर्ट की माने तो कपिल बॉलीवुड के बाद अब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कपिल शर्मा को हॉलीवुड की सुपरहिट एनिमेटेड फिल्म एंग्री बर्ड 2 में लीड रोल रेड को अपनी आवाज देने का मौका मिला है। पिंकवेला की रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा एंग्री बर्ड 2 के हिंदी वर्जन में रेड के रोल को अपनी आवाज देंगे। एंग्री बर्ड 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है मगर हिंदी वर्जन का ट्रेलर अभी तक नहीं आया है। हंगरी के 19 साल के तैराक क्रिस्टोफ मिलक ने रचा इतिहास। मिलक ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में माइकल फेल्प्स के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ल्ड रिकॉर्ड को अथर्व। हंगरी के 19 साल के तैराक क्रिस्टोफ मिलक ने रचा इतिहास। मिलक ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में माइकल फेल्प्स के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ल्ड रिकॉर्ड को 78 सेकंड से ध्वस्त कर दिया। मिलक ने 1:50.73 का समय निकालकर फेल्प्स के 1:51.51 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। फेल्प्स ने 10 साल पहले रोम में विश्व चैंपियनशिप के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया था। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी .com के साथ।